गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। और सेकंड पेपर का नाम है भारतीय राजनीति के चालक, और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक भी थे, अगाध ज्ञान का भंडार, अद्भुत प्रतिभा के धनी, सराहनीय निष्ठा और न्यायशीलता तथा स्पष्टवादिता के धनी रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने अपने आप को दलितों के लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान निर्माता की जो भूमिका है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की जो भूमिका है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। एक अछूत जाति में उनका जन्म हुआ, महार जाति। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। इंदौर के पास एक मऊ छावनी थी, एक मऊ छावनी में हुआ। उनके जन्म का नाम था भीम सतपाल। उनका जन्म का नाम जो था बचपन का वो भीम सतपाल था। महार जाति में इनका जन्म हुआ था, और महाराष्ट्र में इसे जाति को अछूत समझा जाता था। इनके जो पिता थे वो कबीर जी के अनुयायी थे, कबीरपंथी थे, और इनके पिता जो थे वो इनकी शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे तथा अध्यापक उनके परिश्रम से बहुत प्रसन्न थे। बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से उन्हें कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली थी, और गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर ही भीमराव ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लिया था। वे भारत के पहले अछूत थे जो विदेश में पढ़ने के लिए गए थे। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेल्डमैन जो थे वो अंबेडकर के अध्यापक हुए थे। उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और पीएचडी का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के बाद वे लंदन आ गए, और यहां उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए दी ग्रेस इन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने प्रवेश लिया था। तो बहुत ही पीएचडी की उपाधि के साथ इन्होंने बार एक लॉ की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त कर ली थी इंग्लैंड में जाकर। तो इस तरह से वकालत करने के लिए इन्होंने भारत लौट करके सोचा कि मैं वकालत करूंगा और अपना जो जीवन है वो अछूतों और गरीबों की सेवा में उनके कल्याण के लिए लगाऊंगा। 1923 के अंदर उन्होंने वकालत शुरू की। इधर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और अपने इन्होंने कई समाचार पत्र जो है उनका प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया था। अम्बेडकर
दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे और उन्होंने दलित वर्गों को संगठित संघर्ष की प्रेरणा भी दी थी। इनका जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था दलितों के संघर्ष का, वो महद सत्याग्रह से हुआ था। अंबेडकर ने दलितों के लिए संघर्ष महद सत्याग्रह से प्रारंभ किया। इस सत्याग्रह ने दलितों में अविश्वास के भाव को जागृत कर दिया था, आत्मविश्वास के भाव को जागृत किया और इसके बाद अंबेडकर ने दलितों में चेतना जागृत करने और उनको अधिकार दिलाने के लिए पूना पर्वती सत्याग्रह, कल्याण मंदिर, प्रवेश सत्याग्रह आदि आंदोलनों को प्रभावशाली नेतृत्व भी इन्होंने प्रदान कर दिया था। सन 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का, सन 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष का पद धारण किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुओं की जातिगत व्यवस्था द्वारा उनकी नष्ट की गई शक्ति की कड़ी की निंदा कर दी। उन्होंने 1930 और 31 में जो लंदन के अंदर पहला और दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, वो दलितों के प्रतिनिधि के रूप में उसमें इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने विधान परिषदों के अंदर भी दलितों के लिए जो पृथक सीटें हैं या पृथक पद जो है वो निर्वाचित करने के लिए इन्होंने कहा, पृथक प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की। इन्होंने कहा दलितों को विधान परिषदों में हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अंबेडकर ने बल दिया कि दलितों को हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रबल देशभक्त थे और भारत के एकीकरण के समर्थक थे। ये प्रबल देशभक्त थे और भारत के एकीकरण के समर्थक थे। ये प्रबल देशभक्त थे और
और भारत के एकीकरण के समर्थक भी थे। सार्वजनिक जीवन में इनके महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ मतभेद जो थे वो बने रहे थे, और मतभेद का जो आधार था वो दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रश्न था। डॉक्टर अम्बेडकर का ये दृष्टिकोण भी था कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो अछूत नहीं है, क्योंकि जो वो मानते थे कि जो उस परिस्थिति को जीता नहीं है, जो उस परिस्थिति में रह नहीं रहा है, वो उस परिस्थिति के हक की बात कर भी नहीं सकता। सन 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने मुंबई में इस पार्टी ने सन 1937 में चुनाव लड़ा, जिसमें से इन्होंने 15 में से 13 स्थान जीते और 2 सामान्य स्थानों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इस पार्टी ने किरायेदार कानून, एंटी स्ट्राइक बिल और खोटी बिल आदि की खुलकर आलोचना भी की थी। इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मजदूरों को जो है वो सत्याग्रह का अधिकार भी होना चाहिए। 7 अगस्त 1942 को उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 7 अगस्त 1942 को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। संविधान सभा में इन्हें संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। जो संविधान सभा थी भारतीय संविधान सभा में जो संविधान की प्रारूप समिति है संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। दलितों को सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त हो, इस बात के लिए संवैधानिक व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों का ही परिणाम है। संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है।
मनु कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप इसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय हम देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये अछूत जाति के थे, दलित थे और इन्होंने बचपन से ही अछूतों की उस समस्या को समझा था, उसको बहुत करीब से जाना था, जिसमें कि सुधार की मांग कर रहे थे कि पहले के समाज के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अछूतों को, दलितों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ बहुत अन्याय होता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसका कहीं ना कहीं निराकरण करना चाहते थे, उसको समाप्त करना चाहते थे। संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार के अंतर्गत कानून मंत्री का पद भी दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया।
49 को डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार के अंतर्गत कानून मंत्री बना दिया गया। कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे प्रमुख कार्य था हिंदू कोड बिल। इस पद पर उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदू कोड बिल। इस बिल के अंतर्गत क्या था? इस कानून का उद्देश्य था कि हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा इस कानून की कुछ प्रमुख बातें थी। नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कुछ प्रश्नों पर मतभेद थे और अंत में 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। इस परिस्थितियों में 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। हिंदू धर्म में दलितों की अपमानजनक स्थिति के कारण उन्होंने अलग से 1955 में भारतीय की स्थापना की। तथा भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा भी उन्होंने उठाया। इसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हुई एक ऐतिहासिक सभा में व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।
भारतीयों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को ही प्रातःकाल के बेला में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी दिसंबर के अंदर 1956 में ही। निर्भयता, स्पष्टवादिता और अक्कड़पन जो था उनके स्वभाव का अंग था जो सदैव उनके साथ बना रहा। और सबसे ज्यादा जो डॉक्टर अम्बेडकर पर प्रभाव पड़ा था वो किस किस चीज का पड़ा था हम देखेंगे। जीवन पर प्रभाव, अम्बेडकर के जीवन पर प्रभाव किस चीज का पड़ा था? तो जिन पुस्तकों ने अम्बेडकर को प्रभावित किया वो थी रामायण तथा महाभारत। जो पुस्तक थी वो तो थी रामायण तथा महाभारत। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो तीन आदर्श थे, डॉक्टर अम्बेडकर के जो तीन आदर्श थे वो थे डॉक्टर वो थे गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनके तीन आदर्श थे वो थे गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये तीन आदर्श थे डॉक्टर अम्बेडकर के। कबीर का प्रभाव था कि वे धार्मिक स्वभाव के तथा निष्पक्ष थे। ज्योतिबा फूले के प्रभाव से वे ब्राह्मण समाज के विरुद्ध हो गए थे और अछूतों को संगठित होने, शिक्षित होने तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की उन्होंने शिक्षा दी थी। इसके अतिरिक्त वो अमेरिकी अध्यापक जॉन दिवे से भी प्रभावित थे। जो अमेरिकी अध्यापक थे जॉन दिवे से वो प्रभावित थे बहुत ज्यादा। नोट कर लीजिए आपसे, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो बुकर टी वॉशिंगटन के जीवन से भी प्रभावित थे जिन्होंने नीग्रो जाति के लिए संघर्ष किया था। इस तरह से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन परिचय, अंबेडकर का और उनके जीवन पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ा। पुस्तकों में तो रामायण और महाभारत का प्रभाव पड़ा था, उनके तीन आदर्श थे गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अमरीकी अध्यापक जॉन दिवे जो थे उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित माने जाते हैं। नोट कर लीजिए आप।